साथियों, बीते वर्षों में हमने पहले की सरकारों की एक और पुरानी सोच को बदला है। पहले की सरकारें हमारे सीमावर्ती और समुद्र किनारे बसे गांवों को, इलाकों को अंतिम गांव मानती थी। हमारे रक्षा मंत्री जी ने अभी उसका उल्लेख भी किया। इस सोच के कारण हमारे तटीय क्षेत्र भी विकास से वंचित रहे। यहां मूल सुविधाओं का अभाव रहा। आज समंदर किनारे बसे हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। यह हमारी सरकार है जिसने 2019 में पहली बार फिशरीज सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया। हमने फिशरीज सेक्टर में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश किया है। इस वजह से 2014 के बाद से भारत में मछली उत्पादन 80% से ज्यादा बढ़ा है। भारत से मछली का एक्सपोर्ट भी 110% से ज्यादा बढ़ा है। अपने मछुआरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए बीमा कवर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिला है। सरकार फिशरीज सेक्टर में वैल्यू चेन डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दे रही है। आज सागरमाला योजना से पूरे समुद्र किनारे में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि समुद्री किनारों में नए उद्योग लगे, नए बिजनेस आए। मछली हो, दूसरा सी फूड हो, इसकी पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड है। इसलिए हम सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री पर बल दे रहे हैं ताकि मछुआरों की आय बढ़ाई जाए। मछुआरे गहरे समंदर में मछली पकड़ सके, इसके लिए वो नावों के आधुनिकीकरण के लिए भी उनको मदद दी जा रही है।